ड्रामा कर रही है मॉम, बीमारी का ठोंक। असली बात तो यह है कि उसे पसंद ही नहीं है हमारा यहाँ रहना। राहिल भी कह रहे थे कि तुम्हारी भाभी मुझे देखकर इतना बुरा मुंह बनाती है कि मैं एक दिन भी नहीं रुकता। तो डैड से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि बेचारे को रुकना पड़ा। वैसे इस बात को देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन बहुत खुश भी। तुम्हारे डैड का रवैया अभी भी तुम्हारे साथ तो वैसा ही है, लेकिन एटलीस्ट राहिल से देखो जरा किस तरह से बेतकल्लुफी और दोस्ती हो गई। बहुत खुश हूँ। राहिल का बिहेवियर कैसा है? बहुत फ्रेंडली और ना बहुत इज्जत करने वाला है वो। बड़ों के साथ तो मतलब बुजुर्गों के साथ ना उसकी जल्दी दोस्ती हो जाती है, उनके मुताबिक बात करता है वो उनसे। टू बी ऑनेस्ट मैं डर रही थी, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो राहिल के बारे में, लेकिन जो भी उसके बारे में सुना था ना वो तो उसका उलट है। वेरी नाइस, शुक्र है मेरी बच्ची खुश है। जब मुझे बताओ कि तुम अब वापस घर अपने कब जाओगी? क्या हो गया मॉम, परेशान है आप मेरे यहाँ रहने से? मैं चाहती हूँ कि अब तुम जाकर उसको सजाओ सवारो अपने स्टाइल से। हाँ कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मैं आज ही राहिल से वापस घर जाने की बात करती हूँ। मेरा सारा सामान भी पैक पड़ा है वहाँ पर, और मैं अपनी मर्जी से अपने घर को सेट करूंगी। मेरा घर बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। बुजुर्ग कहते हैं कि शादी के बाद अपने घर को तनहा नहीं छोड़ते।